आईपीएल की कोई भी टीम चोटों या फिर अनुपलब्धता की चिंताओं से सुरक्षित नहीं है। राजस्थान रॉयल्स के लिए भी यही मामला रहा है, जिन्होंने जॉस बटलर, बेन स्टोक्स, एंड्रयू टॉय और जोफ्रा आर्चर की अनुपस्थिति में टूर्नामेंट के यूएई चरण में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष किया है। उन्हें 3 मैचों में 1 में जीत मिली, वह भी उन्हें कार्तिक त्यागी के एक शानदार अंतिम ओवर और पंजाब किंग्स की नर्वस बल्लेबाजी की मदद से मिली। आरसीबी टूर्नामेंट के इस चरण में इसी तरह अनिश्चित रही है। अबू धाबी में केकेआर के हाथों 9 विकेट से हारने के बाद आरसीबी शारजा में सीएसके के खिलाफ अच्छी तरह से नहीं खेल सकी। बल्लेबाजी करते समय वह पहले स्पिन का ठीक से मुकाबला करने में विफल रहे और फिर सीएसके के बल्लेबाजों के खिलाफ वह अपने धीमे गेंदबाजों का उपयोग करने में असमर्थ रहे। प्लेऑफ के नजरिए से आरसीबी ने 2 दिन बाद उन गलतियों को ठीक कर लिया। ग्लेन मैक्सवेल ने मुंबई के गेंदबाजों को लय से बाहर करने के लिए स्विच या रिवर्स शॉट का उपयोग करते हुए 37 गेंदों में 56 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। 165 का बचाव करते हुए युजवेंद्र चहल, मैक्सवेल और हर्षल पटेल की धीमी गेंदबाजी ने संयुक्त रूप से 9 विकेट लिए, जिससे मुंबई का पतन हुआ। आरसीबी जहां प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अच्छी तरह से तैयार है, वहीं रॉयल्स अंतिम 4th स्थान के लिए 3 अन्य टीमों के साथ कड़ी टक्कर में है। उनका सीजन बस इस बात पर निर्भर है कि क्या वे अपने विरोधियों की तुलना में तेजी से बदलाव ला सकते हैं। रॉयल्स ने अपने विदेशी संयोजन के साथ छेड़छाड़ जारी रखी है। बटलर और स्टोक्स की अनुपस्थिति के अलावा रॉयल्स ने बल्लेबाजों को उनकी पसंदीदा जगह से बदलकर खिलाकर खुद के साथ न्याय नहीं किया है। लियाम लिविंगस्टोन ने इस टूर्नामेंट के दूसरे हाफ में 3 में से 2 मैचों में 4th नंबर पर बल्लेबाजी की है। लंकाशर और इंग्लैंड के लिए उनकी ज्यादातर सफलता ओपनिंग के दौरान आई है। यह देखते हुए कि उन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 30 रन बनाए हैं, या तो सलामी बल्लेबाज के रूप में उनके साथ रहना या डेविड मिलर जैसे विशेषज्ञ मध्यक्रम के बल्लेबाज को लाना समझ में आता है। आरसीबी को अपना सर्वश्रेष्ठ संयोजन खोजने के अलावा बहुत अधिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई सफल T20 टीमों की तरह आरसीबी ने नंबर 3 पर एक फ्लोटर तैनात किया है। श्रीकर भारत आमतौर पर शुरुआती विकेट के गिरने पर या निचले मध्यक्रम में बहुत बाद में आएंगे। अगर सलामी बल्लेबाज पावर प्ले में आउट हो जाते हैं तो एबी डिविलियर्स नंबर 5 पर आते हैं, जैसा कि मुंबई के खिलाफ हुआ था। ऐसे मौके पर डेनियल क्रिस्टन नंबर 6 पर पहुंच गए थे। हालांकि यह दाव उनका भारत में हुए पहले चरण में काम आया, लेकिन यूएई में यह सफल नहीं हो पाया है। डिविलियर्स, मैक्सवेल और क्रिस्टियन जैसे T20 बल्लेबाजों का उपयोग करने के मामले में आरसीबी सक्रिय होना चाहते हैं और उनके लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति ढूंढ सकते हैं। हर्षल पटेल ने 23 विकेट लिए हैं, जो इस आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा हैं। उन्होंने धीमी गेंद को विकसित किया और उसमें महारत हासिल की, जो देर से गिरती है, जो इस सीजन में उनका सबसे प्रभावी हथियार है। उनके 23 विकेटों में से 15 धीमी गेंदों से लिए गए हैं। धीमी गेंद पर गेंदबाजी करते समय उनका इकोनॉमी रेट 6.8 और स्टॉक बॉल का इस्तेमाल करते समय 10.2 है। इसका मुकाबला करने के लिए रॉयल्स उनकी धीमी गेंद को अपनी स्टॉक बॉल मान सकता है और उनकी तेज गति वाली डिलीवरी के बजाय डिपिंग वेरिएशन के लिए खेल सकते हैं। यह बदले में हर्षल की सबसे कुशल डिलीवरी के खिलाफ हथियार होगा और उनकी ताकत को कम कर देगा, जैसे कि रविंद्र जडेजा ने इस सीजन की शुरुआत में मुंबई में किया था।